लाहौर का कोई भी ट्रिप, कोई भी इवेंट कंप्लीट नहीं हो सकता विदाउट इंक्लूडिंग द मीनारे पाकिस्तान। मीनारे पाकिस्तान और उसके साथ बादशाही मस्जिद, शाही किला, दिस गिव्स यू द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू रिविजिट योर हिस्ट्री। अगर आप तारीख में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं और पाकिस्तान की जो क्रिएशन है उसकी स्ट्रगल को जानना चाहते हैं या ओवरऑल मुसलमानों की तारीख को जानना चाहते हैं, उनकी स्ट्रगल्स को, उनकी जदोजहद को जानना चाहते हैं ओवर द ईयर्स, तो ये जगह आपको हिस्ट्री से भरपूर मिलेगी। यहाँ पर आपको तारीखी इमारात भी मिलेंगी, तारीखी इवेंट्स भी मिलेंगे और तारीखी लोग भी मिलेंगे। मीनारे पाकिस्तान 23 मार्च 1940 को मुनक्किद होने वाली करारदाद पाकिस्तान की यादगार है। क़याम पाकिस्तान दहाइयों पर मुहित मुसलमानों की खूनी जदोजहद का इनाम है और उसमें एक संगे मील ये 23 मार्च 1940 की करारदाद पाकिस्तान है। मार्च 1940 को इसी जगह पर बरे सगीर पाको हिंद के तमाम तर मुसलमान और उनकी अक्सरियती जमात मुस्लिम लीग यहां पर इकट्ठी हुई और यहां पर एक करारदाद पेश की गई कि जिसमें मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क कायम करने की करारदाद को मंजूर किया गया और मुसलमानों के अक्सरियती इलाके जिसमें जो अब पाकिस्तान का इलाका है और ईस्ट पाकिस्तान का इलाका जो अब बांग्लादेश कहलाता है, तो इन इलाकों को तजवीज़ किया गया कि यहाँ पर क्योंकि मुसलमानों की अक्सरियत है तो यहाँ इन इलाकों को एक अलग मुल्क का दर्जा दिया जाए जहाँ पर मुसलमान इंडिपेंडेंटली अपनी ज़िंदगी इख्तियार कर सकें। अक्सर मैं आजकल भी देखता हूँ तो ख़बरों में आ रहा होता है कि इंडिया में हिंदू मुस्लिम फसादात हो रहे हैं और किस तरीके से मुसलमानों को मारा जा रहा है, तो फिर एहसास होता है कि ये किस कदर एक दूरंदेश फैसला था कि जिसमें मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क बनाने का फैसला किया गया ताकि हिंदू और मुस्लिम दोनों अपने अपने इलाकों में अपनी इंडिपेंडेंट तरीके से रह सकें, एक दूसरे की मजहबी रसूमात में हायल ना हो और एक दूसरे के साथ पुरअमन तरीके से रह सकें। उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।